when we come before the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, how do we come? हम कैसे आते हैं? क्या हम हमारे उदास चेहरों को लेकर आएंगे? Do we come with a fallen countenance? क्या हम उदास चेहरे को लेकर आएंगे? You know, God asked Cain, why is your countenance fallen? परमेश्वर ने केन को पूछा कि क्यों तेरा चेहरा गिरा हुआ है, क्यों? How do we come before God? I know, जब मन हमारा दुखी होता है तो उस दुख को छुपाया नहीं जाता, बट हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं, भजन लिखने वाला कहता है कि हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, स्तुति के गीतों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। That is the protocol of coming into the presence of God. We come with a heart of thanksgiving. हम धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। कोई कहेगा कि कैसे, किस बात का मैं धन्यवाद करूं अगर मैं दुख से होकर गुजर रहा हूं, अगर हम मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं? लिसन, यू माइट बी गोइंग थ्रू वट एवर सिचुएशन, दैट डज नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ गॉड। मैं जिस किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूं या मैं जिस किसी दुख से होकर गुजर रहा हूं, उसकी वजह से परमेश्वर का दर्जा कम नहीं हो जाता। वो मेरे खुशी में भी राजा है, जब मैं दुख से होकर गुजर रहा हूं तब भी राजा है, जब मैं कामयाब हूं वो तब भी राजा है, और जब मैं हार कर गिरा हुआ हूं वो तब भी राजा है। सो व्हेन आई गो टू हिम, आई डोंट गो टू हिम ऑन द बेसिस of what my circumstances are. When I present myself to the king, I present myself on the basis of who he is. Hallelujah. हम भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर का राज्य है जिसका हम हिस्सा है, और इस राज्य के कुछ नियम है। परमेश्वर का राज्य डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है जहां पे मेरी मर्जी चलेगी, ना ना ना। परमेश्वर का राज्य है, वो राजा है, और मैं धन्यवाद के साथ उसके सामने आना है, मैंने स्तुति के साथ उसके सामने आना है। हालेलुया। वी गॉट टू लर्न दीज थिंग्स, दिस इज हाउ। सी, इन द किंगडम टिल द टाइम देर इज अ किंग ऑन द थ्रोन एंड देर इज अ राइटियस किंग ऑन द थ्रोन, पीपल डू नॉट हैव टू वरी। अगर एक राज्य में राजगद्दी पर एक धर्मी राजा बैठा है तो उस राज्य के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी गॉट टू लर्न दैट, वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट, दैट यस, इन द फिजिकल वर्ल्ड वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, यू नो, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, द वर्ल्ड वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट। इन द किंगडम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द आवर किंग is a righteous king. We have to depend on him until the time he is on the throne. None of my situations will be able to take over me. Hallelujah. Jab tak hamara dharmi raja sinhasan par hai, meri koi bhi paristhiti mere upar haavi nahi hogi. Amen. So we have to choose what are the things worth your time, your effort, your tears. चुनाव मुझे करना है कि मुझे अपनी भावनाओं को, अपने आंसुओं को, अपने समय को, अपने बल को किन चीजों पर खर्च करना है। जब हम मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं, जब हम दुख का सामना कर रहे हैं, हम कैसे लोगों के आसपास होते हैं? वे लोग जो इस राजा के समान आपके दुख को पहचान सके और उस दुख का
कारण समझने के लिए और उस दुख से आपको बाहर निकालने के लिए आपकी मदद कर सके, या वे लोग या ऐसे लोग जो आपके उस दुख को आपको उसमें से बाहर निकालेंगे नहीं पर उसमें जोड़ेंगे। What is my fellowship when I am going through situations? मैं कैसे किस प्रकार के लोगों के आसपास रहता हूं? Nehemiah did not allow his burden to crush him. In fact, he allowed his burden, he used his burden to propel him into a higher position. उसने सही स्वभाव दिखाया, सही नजरिया दिखाया, सही लोगों के आसपास वो था जिन्होंने उसकी मदद की कि वो उस दुख से बाहर निकले। I pray that each one of us, मेरी प्रार्थना है हम में से हर एक अपने आप को एक ऐसे स्थान में पाए जहाँ हमारे आसपास वे लोग हों जो परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाएं, हमारे दुख में हमें सांत्वना दे, बल दे, धैर्य बढ़ाए। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे आत्मिक पिता का, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे आत्मिक भाई बहनों का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो मुझे बल देते हैं, जो मेरा धैर्य बढ़ाते हैं। मेरी प्रार्थना है हम सब अपने आप को ऐसे ही जगह में पाए। दैट्स वाई चर्च इज सो इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई फेलोशिप इज सो इंपॉर्टेंट। मे वी रियलाइज दैट वी आर हियर फॉर ईच अदर। May the Lord bless you. Hello everyone. I hope you were blessed. Do like, share and subscribe. And don't forget to leave a comment below. Stay blessed.